कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, है कि नहीं? नहीं है? देखिए हम सिंपल इसे बना देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सिंपल बना देंगे, बस आप देखते ही रहिएगा। मतलब देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़िए, अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा अपन वन प्लस साइन थीटा, उसके आगे क्या लिखा है पढ़िएगा तो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या कर देते हैं, हम परमेकरण रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं परमेकरण, देखिए परमेकरण कैसे किया जाता है, मैक्सिमम हर का ही किया जाता है, हर के चिन्ह के विपरीत से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं ना। है अच्छा है क्वेश्चन। चलिए तो देखिए यहाँ प्लस क्या कर देंगे, वन माइनस साइन थीटा बट वन माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा का होल वर्ग, क्या आ जाएगा साइन थीटा का होल वर्ग। एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर मतलब एक वर्ग, माइनस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, इतना। चलिए और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, अंडर रूट देखिए वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता रहा। चलिए वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यह पूरा है, ठीक है। अब चूंकि देखिए जानते हैं, क्या जानते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोई भी वर्ग रहता है तो अंडर रूट तो वर्ग हट जाता है ना, तो ऊपर क्या बचेगा वन माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, बटे कॉस थीटा। चलिए इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, बहुत सही, क्या बात है, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए अब इसे कॉस थीटा से दोनों में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, मतलब वन बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं वन अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा हो जाता है ना, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या हो जाएगा सेक थीटा, माइनस साइन बटे कॉस क्या हो जाता है टैन थीटा, ठीक है, यह आपका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट, फोर्थ इज द करेक्ट, ओके। इस प्रकार यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन देखिए प्रॉब्लम पहले ढूंढिए, क्या प्रॉब्लम को रिसर्च कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम यही थी अंडर रूट को पहले हटाएं, तो कैसे हटाएं, उसके लिए परमेकरण करना पड़ेगा, तो परमेकरण का नियम आप जानते ही हैं, ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। ना चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट पर, ओके।